बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी मान में रखें। हम लोग चैप्टर 11 हम लोग ने शुरू किया हुआ है और लास्ट 3 लेक्चर हो चुके हमारे जो है, जिसमें हम लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ना उसको हमने कंप्लीट की है। ठीक है, आज हम लोग उसी चैप्टर 11 को आगे बढ़ाते हैं जी और उससे शुरू करते हैं। ठीक है जी, आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है टोटल आपका, और इसमें आज हम लोग सीखेंगे अबाउट इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। उसके कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं, उसकी कुछ कंसेप्चुअल कोई बातें होंगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप और मैं थोड़ा डिस्कस करें तो आप और मैं हम लोग अच्छे से जानते हैं जी, कोई भी सिस्टम हो जो कंसिस्ट करता हो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रियल सिस्टम की बात करूँ, आइडियल की नहीं, तो उसमें मॉलिक्यूल या एटम जो हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्जन। तो ऑब्वियसली उस वजह से उनकी कॉन्फिग्रेशन चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है। तो एक तो उनमें एनर्जी होती है ड्यू टू द चेंज इन कॉन्फिग्रेशन, जिसको हम लोग चैप्टर 4 में एज अ पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, सेकेंडली हम लोगों ने देखा कि एनी काइंड ऑफ टाइप ऑफ मैटर, उसमें जो किसी भी मटेरियल में एटम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टैटिक नहीं है, एट रेस्ट नहीं है, तो मोशन में है, रैंडम मोशन में मूविंग है। तो हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो आज हम लोग इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। इसमें सीखेंगे हम लोग कि अगर कोई सिस्टम है जो कंसिस्ट करता है गैस पे, तो उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी, व्हाट डज इट मीन इंटरनल एनर्जी। तो आए जी शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी की वो हमें डेफिनेशन बता रहा है। वो कहते थे इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फिग्रेशन। वही जो आप और मैं बात कर रहे थे कि एनर्जी जो है किसी भी सिस्टम में जो मॉलिक्यूल जो कंसिस्ट करते हैं उनमें अट्रैक्शन रिपल्जन है, जिससे उनकी कॉन्फिग्रेशन चेंज होती है, और सेकेंडली उनकी मोशन की वजह से जो वो एनर्जी रखते हैं जी उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो किसी भी सिस्टम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे कंसिस्ट करते हैं जी, उसमें जो इंटरनल एनर्जी है जो इसकी जो बेसिक्स हैं वो दो हैं जी। एक तो उनकी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है, एनर्जी पोजेस बाय द मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर मोशन, एंड एनर्जी पोजेस बाय द मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर कॉन्फिग्रेशन। ये बेटा ये दो इसके कॉज है इसकी इंटरनल एनर्जी के। मतलब अगर हम इंटरनल एनर्जी का सम लें तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर मोशन, एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉन्फिग्रेशन। तो ये नॉलेज हो गया जी हमारा अबाउट इंटरनल एनर्जी। आगे जाके थोड़ा इसको एक्सपेंड करते हैं। एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। कि अगर आप मॉलिक्यूल्स की मोशन से रिलेटेड एनर्जी को डिस्कस करेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको UK से शो किया हुआ है जी, एंड देयर ड्यू टू द मॉलिक्यूलर कॉन्फिग्रेशन। और अगर उनकी कॉन्फिग्रेशन, उनकी ओरिएंटेशन, उनकी पोजीशन से रिलेट करेंगे मॉलिक्यूल्स की, तो उसको फिर हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर कॉन्फिग्रेशन का कॉज जो है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इट्स मीन दैट इंटरनल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी UV, देन इट्स टोटल एनर्जी। तो जो इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये बेटा ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बनेगी। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू एनर्जी पोजेस ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी पोजेस बाय द मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर कॉन्फिग्रेशन ड्यू टू देयर पोजीशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा। समरी बनाएं, इस सारी स्टेटमेंट की समरी बनाएं, तो क्या बनता है, सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल ऑफ सब्सटेंस इज टर्म्ड एज इंटरनल एनर्जी। तो ये बेटा इंटरनल एनर्जी की एक समराइज जो है डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं, इसको पढ़ाते हैं। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, कहते हैं अगर आप सिस्टम आपका ऐसा है कि जो कंसिस्ट करता है सिर्फ आइडियल गैस पे, मतलब हमारे पास कोई सिस्टम है जो कंसिस्ट करता है सिर्फ आइडियल गैस पे, और आइडियल गैस मॉलिक्यूल जो नो वेल प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस किया था कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक तो पॉइंट मैस एक्ट करते हैं, पॉइंट मैस डायमेंशनलेस होते हैं, और देयर इज नो अट्रैक्शन रिपल्जन अमंग द मॉलिक्यूल्स, उनके दरमियान कोई अट्रैक्शन रिपल्जन नहीं होती, जस्ट मोशन होती है, और मोशन भी हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्कस करते हैं। वाइब्रेशनल भी है, लेकिन जो क्वांटम थ्योरी है उनकी वाइब्रेशनल मोशन को एक्सेप्ट नहीं करती, तो
हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशनल जो इनकी मोशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग इस बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और इसमें देखें तो फॉर एन आइडियल गैस एज देयर इज नो मोलिक्यूलर अट्रैक्शन, यही जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि पॉइंट मास होती और मोलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होती, तो इसका मतलब है उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगी। देयर इज इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज टोटली काइनेटिक एनर्जी। तो जो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी होती है एंड इज गिवन बाय ये बेटा ये इक्वेशन जो प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल एनर्जी इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं होती तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, तो ये वाला फैक्टर जो है हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। हमने प्रीवियस लेक्चर में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन ड्राइव किया था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। यहाँ से अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालें तो ये बेटा ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है, ठीक है। यहाँ से बेटा हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाली है, कैसे देखें, ये 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगा टी से और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर मेरे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ये बेटा ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यही मैंने काइनेटिक एनर्जी की जगह उसकी वैल्यू लिखी थी। इसका मतलब जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। लेकिन अगर आप एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, एन नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, तो फिर इसकी जो इक्वेशन है वो ये हो जाएगी। ये बेटा आप लोग लाजमी लिख लीजिएगा जहाँ पे ये बुक पे टॉपिक है, आप ये मैथमेटिकल फॉर्म जो है इक्वेशन जो है लाजमी आप लिख लीजिएगा। अच्छा जी आगे चलते हैं, आगे वो इसके सिंपलेस्ट फॉर्म जो है ना हमें बना के देते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, वो कहते हैं ये जो बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है हम लोगों ने प्रीवियस उस लेक्चर में सीखा था, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट के की जो वैल्यू है आर ओवर एन ए, आर इज जनरल गैस कॉन्स्टेंट, एन ए एवोगैड्रोस नंबर है, अगर हम उसकी वैल्यूज पुट करें तो फिर हमारे पास जो समरी बनती है टोटल इंटरनल एनर्जी की फॉर मोनो एटॉमिक गैस, तो वो है जी हमारे पास यू इज इक्वल टू 3/2 एन आर टी, वी आर स्मॉल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, कैपिटल आर जनरल गैस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है इज़ अ फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर, की जो इंटरनल एनर्जी है जी वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कि अगर आप उस सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, मतलब राइज और फॉल, इंक्रीज और डिक्रीज अ इंटरनल एनर्जी, ये हो गया जी हमारे पास इसके इंटरनल एनर्जी का रिलेशन। आगे चलते हैं जी, आगे इसी को फर्दर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल आपने प्रीवियस उसमें इक्वेशन देखी तो इसी चीज़ को जैसे प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया उसी को ये आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं। कहते हैं जी अगर आप इस फैक्टर को कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, ये जो फैक्टर है जी हमारे पास अगर हम इसको कॉन्स्टेंट ले लें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इंटरनल एनर्जी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ गैस टेम्परेचर ओनली, तो सिर्फ और सिर्फ उसके जो टेम्परेचर है जी उस पर डिपेंड करती है, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर वेरिएबल, किसी भी और वेरिएबल पे ये डिपेंड नहीं करती। ये मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, मेन कंसेप्ट है जी, आप लोग इसको लाजमी नोट कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। अब ये मैंने थोड़ी सी एग्जाम्पल दी है जी, ये मेरे पास एक ऐसा सैंपल है जी, गैस का एक ऐसा सैंपल है जिसका टेम्परेचर मैंने लो रखा हुआ है, तो गैस मॉलिक्यूल की जो मोशन है वो स्लो है, मतलब उनकी जो एनर्जी है वो कम है। गैस मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव एंड हैव नो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, रैंडम मोशन में द मॉलिक्यूल्स हैव मोर इंटरनल एनर्जी। अब जैसे ही मैं इस सिस्टम को हीट एनर्जी देता हूँ, ये देखें नहीं, मैं इसको हीट एनर्जी दे रहा हूँ, हीट एनर्जी देने से इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, ठीक है। जैसे इनका टेम्परेचर राइज होगा इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इनकी इंटरनल एनर्जी है, टोटल इंटरनल एनर्जी वो इंक्रीज होगी, द गैस मॉलिक्यूल्स मूव मच फास्टर विथ हायर काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही आप उसको टेम्परेचर देते हैं, आप उसको हीट एनर्जी देते हैं, टेम्परेचर हाई करते हैं, तो उनकी जो मोशन है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑब्वियसली जो उनकी टोटल इंटरनल एनर्जी है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है फॉर आइडियल गैस, तो जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उनकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। ये बेटा इसकी एग्जाम्पल होगी इसकी प्रेजेंटेशन के लिए। अच्छा आगे चलते हैं जी, इन थर्मोडायनामिक्स इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का। हाँ आप लोग इसको लाजमी इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि जो इंटरनल एनर्जी है ये स्टेट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है,
किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे डिपेंड करती, स्टेट पे डिपेंड करती है, वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं करती। क्या कहना चाह रहे हैं, इन थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी द स्टेट फंक्शन चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अप ऑन द पाथ ऑफ द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस आपने किए उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया जी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिस्टम है जिसका ये इनिशियल पॉइंट्स हैं, कुछ इनिशियल पॉइंट्स हैं, ये फॉर एग्जाम्पल ये उसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे इसकी जो इनिशियल प्रेशर की वैल्यू है P1 है और वॉल्यूम की वैल्यू V1 है। मैं इसको टेम्परेचर देता हूँ, इसका टेम्परेचर राइज करते हैं T1 टेम्परेचर से, हम इसको इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर की तरफ लेके जाएंगे। तो मेरे पास दो पाथ हैं, लेट सपोज मैं इस पाथ को फॉलो करते हुए ये फाइनल पोजीशन अटेन करता हूँ, या फिर मैं सडनली इसको इंक्रीज करता हूँ, टेम्परेचर राइज करता हूँ और फिर फ्रिक्वेंटली जो है ना उसको रिड्यूस करता हूँ, तो ये मेरे पास सेकेंड पोजीशन बनेगी। तो आप लोग देखें कि जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। आप किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, आपने क्या किया जी, लेट सपोज सिस्टम का टेम्परेचर 23 था, आपने सडनली 70 कर दिया और जब फाइनल स्टेज आई तो उसका टेम्परेचर 60 था, तो हम 70 को काउंट नहीं करेंगे, हम जो उसका फाइनल स्टेट होगा, फाइनल जो टेम्परेचर होगा हम उसको काउंट करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन विच डिपेंड्स ओनली ऑन स्टेट ऑफ द बॉडी, ओनली टू पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल। तो तभी हम लोग जब भी इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करते हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिस्कस करते हैं, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल वैल्यू, जो कि फाइनल और इनिशियल वैल्यूज का डिफरेंस होता है। सो इट इज कॉल्ड अ पॉइंट फंक्शन। ये बेटा इसको लाजमी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हम लोग इंटरनल एनर्जी को कंसिडर करते हैं द पॉइंट फंक्शन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज ये बेटा इसकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, आप लोग इसको लाजमी इसको अच्छे से नोट कीजिएगा और इसको टेक्स्ट बुक पे जहाँ पे ये टॉपिक है जी वहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा। अच्छा जी आगे चलते हैं जी, इसी को आगे पढ़ाते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये डिटेल में कुछ हमें समझाना चाह रहा है, क्या कहना है, एस मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस आर पॉइंट मैसेज सो दे डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन वन अनदर। पॉइंट मैसेज होते हैं तो ये एक दूसरे पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते। दस इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस सिस्टम जनरली द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ, जो हमने प्रीवियस किए उसी को ही ये समराइज करें। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय हीटिंग एंड बाय मैकेनिकल वर्क। आप सिस्टम पे वर्क करेंगे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, आप सिस्टम से वर्क लेंगे इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, आप सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी ऐड करेंगे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, हम उसको हीट एनर्जी देंगे तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो हीट एनर्जी से रिलेटेड है। अच्छा जी ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किए हैं, इफ़ यू इंक्रीजेज मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो फाइनल एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी वो इनिशियल से ज़्यादा होगी, तो जो आपका जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि सिस्टम जो है वो एनर्जी गेन करेगा और उसकी इंटरनल एनर्जी हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ पॉजिटिव। अगर इंटरनल एनर्जी रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है, तो उसका जो डिफरेंस आएगा हमारे पास वो क्या होगा कि जो फाइनल एनर्जी होगी वो इनिशियल से कम होगी, तो आपका जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा ये हो गया। अच्छा इसके बाद ये थोड़ा सा इसके कंक्लूजन से इंटरनल एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी इज़ प्योरली काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोगों ने अभी इसको मतलब एक्सप्लेन किया इन सारे उसमें टॉपिक में, तो क्या है जी प्योरली काइनेटिक एनर्जी होगी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के, ये उसकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, और ये जो इंटरनल एनर्जी है ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, चेंज इन टेम्परेचर के, आप टेम्परेचर राइज करेंगे फॉल करेंगे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, और इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी अगर, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो सिस्टम का वो जीरो होगा, और ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है जी इन साइक्लिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो अपने एक प्रोसेस के बाद इनिशियल स्टेज को रिटेन करते हैं वापस आ जाते हैं, तो ऐसे सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो होती है। और इंटरनल एनर्जी द स्टेट फंक्शन जैसे हमने डिस्क्राइब किए, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ और पाथ फॉलोड, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव when internal energy increases, change in internal energy is negative when internal energy is decreasing। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, इसको सुनिएगा, इसको नोट कीजिएगा, पॉइंट्स इसके नोट कर लीजिएगा, कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं इसमें, MCQs बनती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा और कोई क्वेश्चन हो, कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप लोग प्लीज़ बेटा कन्फर्म कीजिएगा। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।